बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? मैंने आप सबको पढ़ाया था एडिशन विथ कैरिंग, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसका होमवर्क भी कंप्लीट हो गया है। देखिए, सब होमवर्क था। और आज हम सब पढ़ेंगे मोर देन और लेस देन, यानी कि कौन ज़्यादा और कौन कम। ठीक है, पेज नंबर 80 पे है ये। किस पे है? पेज नंबर 80 पे है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा सिंबल मेरा लेस देन का होगा, कौन सा सिंबल मेरा ग्रेटर देन का होगा और कौन सा सिंबल मेरा इक्वल का होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स हैं और उसमें कुछ बॉल्स हैं। यहाँ भी कुछ क्या है? ब्रिंजल है। तो काउंट करेंगे सभी को, तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड कितना है? 6 है ना। और 1 2 3 4 5, यहाँ कितना है? 5 है। तो ये इज मोर देन 5, यानी कि 6 इज मोर देन 5, यानी क्या है? 6 जो है वो 5 से बड़ा है, और जब बड़ा है तो बड़े के साइड में हम लोग मुंह को ओपन कर देंगे, है ना। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? यार सिंबल ये इस साइड का सिंबल होगा। देखिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे सिंबल होगा इसका। ठीक है, ऐसे करके ऐसे इसका सिंबल होगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, तो हमने 4 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे काउंट करेंगे तो 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा। तो 4 इज लेस देन 7, यानी कि 7 से 4 मेरा छोटा है ना। जो 4 है वो 7 से मेरा छोटा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सिंबल बनेगा 4 लेस देन 7। सिंबल क्या बनेगा? ये सिंबल ऐसे बनेगा। ठीक है, इक्वल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 8 है और यहाँ भी क्या है? 8 है। अब देखिए, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, दोनों क्या है? बराबर है ना, इक्वल है ना। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये इक्वल का साइन। ठीक, आई बात समझ में? अगर दोनों साइड का बराबर बराबर, यानी कि सेम नंबर है, तो इक्वल हो जाएगा। अगर एक साइड का कम है और एक साइड का ज्यादा है, तो वो लेस देन और मोर देन होगा। ठीक है, आइए कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिए पेज नंबर 81 पे रिवीजन लिखा हुआ है, और काउंट राइट नंबर एंड पुट, किसका साइन है ये? ग्रेटर देन का, यानी कि मोर देन का, और ये लेस देन का, और ये इक्वल का इन द बॉक्सेस। यहाँ देखिए बॉक्सेस, 3 बॉक्स बने हैं। इसमें इसको पहले ऑब्जेक्ट को काउंट करके लिखना है दोनों साइड को, और फिर क्या बताना है कि लेस देन है या मोर देन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक बताया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? 8 लिखा। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इस साइड भी क्या हम लोग लिखा? 8 लिखा। अब बताइए, दोनों नंबर सेम है ना, दोनों नंबर सेम है, तो हम लोग किसका साइन लगाएंगे? सिंबल क्या होगा? इक्वल का सिंबल होगा। ठीक, यहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ देखिए मोमबत्ती है ना, कैंडल है, तो इसको हम काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है? 10 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 10। अब बीच वाले को पहले तो हम छोड़ देंगे, अब इधर की काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 7। अब जिस साइड का मेरा बड़ा होगा या जिस साइड का हम लोग का छोटा होगा, हमको वैसा ही सिंबल लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा मोर देन है ना, तो इस साइड का, यानी कि ये मेरा बड़ा है और मोर देन का सिंबल ये होता है ना, तो ऐसे हम लोग बना देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई। आगे देखिए और बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए मैंगोज बने हुए हैं, अब मैंगोज को काउंट करेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? 8 बना दिया। और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ मेरा 9 है। अब ये जो 8 है वो 9 से छोटा है ना, जो 8 है वो 9 से छोटा है, तो
तो कौन सा सिंबल लगेगा? लेस देन का सिंबल लगेगा, और लेस देन का सिंबल क्या होता है? ये लेस देन का सिंबल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ देखिए पेंसिल बना हुआ है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 9, ठीक। और इधर बैलून है तो बैलून को भी काउंट करेंगे, तो काउंट करिए सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ भी 9 हो गया। अब देखिए इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, दोनों इक्वल नंबर हो गया, तो कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पे? इक्वल का सिंबल आएगा। यहाँ तक आ रहा? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है। चलिए अच्छा, देखिए पेज नंबर 82 पे भी वही दिया है, काउंट राइट नंबर एंड पुट मोर देन लेस देन और इक्वल इन द बॉक्सेस, है ना। तो यहाँ पहले काउंट करके नंबर लिखेंगे दोनों साइड का, फिर इक्वल होगा तो इक्वल करेंगे, मोर देन होगा तो मोर देन का सिंबल लगाएंगे, और अगर लेस देन होगा तो हम लोग लेस देन का सिंबल लगाएंगे। तो एक बता रहा हूँ मैं फिर से, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या लिख देंगे? 7। इस साइड लिख देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 10। अब बताइए 7 है वो 10 से लेस होगा ना, क्योंकि ये कम है ना 10 से, तो ये लेस देन का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 10 लिखा, और इस साइड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड भी 10 है, तो क्या लिखा? 10 लिखा। अब दोनों क्या है? इक्वल है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो कौन सा सिंबल लगेगा यहाँ पे? इक्वल का सिंबल लगेगा, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर का सेम है, ना ही कोई कम है और ना ही कोई ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ना मोर देन करेंगे और ना ही लेस देन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आप क्या लिखे? 9, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 है सिर्फ, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 8। अब बताइए जो 9 है वो 8 से ज़्यादा है ना, बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग? मोर देन का सिंबल लगा देंगे। एक और मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद सभी आप लोगों को करना है। यहाँ देखिए टेलीविज़न है ना, टीवी है ना, तो 1 2 3 4 5 है, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, और इधर 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर मैंने क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। अब बताइए जो 5 है मेरा वो 6 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है यानी कि लेस है, तो यहाँ कौन सा सिंबल लग जाएगा? ये लेस देन का सिंबल लग जाएगा। बात समझ में आई? अब आप लोगों की होमवर्क की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो पेज नंबर 83 ये आप लोगों का होमवर्क है, यही करना है इसमें भी, और पेज नंबर 84 देखिए, पेज नंबर 84 इसमें भी आप लोगों को होमवर्क वही करना है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, और पेज नंबर 85 में भी उसका रिवीजन है, होमवर्क है, जल्दी जल्दी आप लोग इसे करके हमको सेंड कर दीजिएगा। और बस 2 पेज और बचा है, यानी कि पेज नंबर 86 पे भी सेम है, ठीक है, और पेज नंबर 87 पे भी क्या है? सेम है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? इतना सा होमवर्क हो जाएगा, इसे आप लोग कर लीजिएगा, और हम सब अब कल मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।